जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप लोगों को ये भी पता आ चुका है कि आपके एग्ज़ाम कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी बहुत ही तेज़ी कर देनी चाहिए। आपको बता दें, हमने लगभग दोस्तों पूरा जी समाप्त कर दिया है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या साथियों, भूगोल। ठीक है, और भूगोल का लगभग ये सातवां पार्ट होगा। ठीक है, और आज के पार्ट में हम देखेंगे क्या दोस्तों, जो आपके प्रसिद्ध मरुस्थल है दोस्तों विश्व के, भारत के, और विश्व की नदियां देखें। देखिए, भारत नदियां हम देख चुके हैं और विश्व की प्रमुख नदियां देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें, अगर पहली बार जुड़े ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, जहां पे ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, देखिए ऐसा प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। और देखिए, इस पे आप जाएंगे तो आपको करंट अफेयर क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और ये वाला प्लेलिस्ट आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस के नाम से, संपूर्ण कोर्स के नाम से आपको ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे देखते हैं विश्व भारत के मरुस्थल। देखिए, मरुस्थल होते हैं क्या साथियों, देखिए जहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि बरसात नहीं होती, देखिए पानी वहाँ पे होता ही नहीं है, वो जमीन क्या होती है, मरुस्थली हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि मरुस्थल भी साथियों दो तरीके का आप देख सकते हैं, एक होते हैं गर्म और एक होते हैं दोस्तों शीत या फिर ठंड मरुस्थल। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, गर्म मरुस्थल भी होते हैं और शीत मरुस्थल भी होते हैं। चलिए हम दोनों के बारे में देखेंगे, जो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों थार मरुस्थल। थार मरुस्थल दोस्तों याद रखेंगे कि इसका विस्तार दोस्तों अपने भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर दोस्तों थार मरुस्थल स्थित है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, थार मरुस्थल कहाँ है, भारत हुआ पाकिस्तान में। अगर हम भारत में इसके विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ पे है, तो भारत के पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में आपको ये मरुस्थल दिख जाएगा। और एक कैसा मरुस्थल है दोस्तों, तो याद रखेंगे कैसा, गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, तो गर्म मरुस्थल है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दूं अंटार्कटिका मरुस्थल। क्या अंटार्कटिका मरुस्थल दोस्तों, देखिए ये विश्व का शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल दोस्तों। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, और अगर टोटल मरुस्थलों में देखें ना तब भी दोस्तों ये पहले स्थान पे होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कहां पर, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है दोस्तों। मगर ये देखिए, ये आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा था। ठीक है, अगर आपसे स्पेशली पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तब आप बताएंगे अंटार्कटिका मरुस्थल दोस्तों। क्या है ये, शीत मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सहारा मरुस्थल बहुत बार पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट मरुस्थल कौन सा दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आपको सहारा मरुस्थल बताना है। क्या बताना है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों। आपको बता दें कि यह दोस्तों लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। कितने साथियों, लगभग 10 देशों में फैला हुआ है, जैसे माली हो गया, मोरक्को हो गया, और दोस्तों मैरतानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनिसिया हो गया, लीबिया हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, मिस्र हो गया। तो इन 10 देशों में दोस्तों आपका यह मरुस्थल फैला हुआ है। कौन सा, सहारा मरुस्थल। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आपसे पूछे गोबी मरुस्थल दोस्तों कहां है, तो साथियों यह मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। ठीक है, ये मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तकला मकान दोस्तों, तकला मकान दोस्तों ये मरुस्थल कहाँ है, चीन में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तकला मकान दोस्तों कहाँ है, चीन में, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। और कालाहारी मरुस्थल दोस्तों कहाँ है, बोत्सवाना दोस्तों। आपको पता होगा यहीं पर दोस्तों कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति पाई थी। बुशमैन दोस्तों कहाँ पे, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली जनजाति दोस्तों, याद रखेंगे तो बोत्सवाना में दोस्तों कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तकला मकान चीन, कालाहारी, बोत्सवाना, और दोस्तों अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल दोस्तों कहां है, तो चिली में। कहां पर दोस्तों, तो चिली में दोस्तों अटाकामा। ठीक है, अटाकामा दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल दोस्तों कहां है, चिली में। देखिए आटा क्या मिला के दोस्तों, चिली मतलब मिर्च मिला के। ठीक है, तो याद रखेंगे अटाकामा कहां है, चिली में। चलिए अगला है पेंटागोनिया मरुस्थल, कहां है, तो अर्जेंटीना में दोस्तों। कहां पर, पेंटागोनिया दोस्तों किसमें पेंट करते हैं, टीना, देखिए जो खाली टीना होता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो अर्जेंटीना, पेंटागोनिया अर्जेंटीना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है काराकुम मरुस्थल, कहां है, तो तुर्कमेनिस्तान। क्या दोस्तों, काराकुम मरुस्थल कहां है दोस्तों, याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान में। और वही हम बात करते हैं दोस्तों सिंपसन
गिब्सन। और दोस्तों बारबटन, दोस्तों ये तीन मरुस्थल ये नाम याद रखेंगे, ये कहाँ है तो आपको पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में ये मरुस्थल पाए जाते हैं। हमने दोस्तों लगभग 10-11 मरुस्थल देख लिए हैं और यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं, ठीक है, इनको ही आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब नदियां देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, नदियां देखते हैं कि विश्व की कौन सी नदियां कहाँ पे हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये नदियां भी आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखते दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी, देखिए लंबी बड़ी का मतलब लंबी समझना, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों नील नदी, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सबसे लंबी नदी है। और याद रखेंगे दोस्तों, यही नदी विश्व की भी सबसे लंबी नदी, आपसे क्वेश्चन आए कि भैया अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी ही विश्व की और अफ्रीका दोनों की दोस्तों सबसे लंबी नदी है, याद रख लेंगे। और इसे नील नदी को साथियों क्या बोलते हैं, मिस्र का वरदान कहते हैं, क्या बोलते हैं, मिस्र का वरदान, किसको, नील नदी को साथियों हम क्या बोलते हैं, मिस्र का वरदान कहते हैं। चलिए अब आपको बता दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि नील नदी का उद्गम कहां होता है, दोस्तों आपको बता दूं विक्टोरिया झील से दोस्तों नील नदी का उद्गम होता है, कहां से, विक्टोरिया झील से दोस्तों नील नदी का उद्गम होता है। और साथियों ये अपना पानी कहां गिराएगी, तो भूमध्य सागर, देखिए विक्टोरिया झील से नील नदी निकलेगी और भूमध्य सागर में अपना पानी गिरा देगी, जैसे अपनी नदी दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उसी प्रकार दोस्तों ये विक्टोरिया झील से निकलेगी, भूमध्य सागर में अपने पानी को गिरा देगी। चलिए अगला साथियों, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी, देखिए अमेजन नदी यार कहीं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आयतन की दृष्टि से बात करें ना तो दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी नदी होगी, अगर आपसे पूछेगा कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे अमेजन, तब आप नील नदी नहीं बताएंगे। देखिए आयतन का दोस्तों, ठीक है, आयतन क्षेत्रफल होता है ना, उसके आधार पर सबसे ज्यादा पानी है ना, तो वो आपका अमेजन हो जाएगा। और याद रखेंगे अमेजन नदी का उद्गम कहां, तो एंडीज पर्वत से दोस्तों ये निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपने पानी को गिरा देती है, एंडीज पर्वत से निकलेगी, अटलांटिक महासागर में अपने पानी को दोस्तों गिरा देगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, अब देखिए एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी, देखिए अपना भारत भी एशिया में ही आता है, और आपको बता दूं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन होगी, तो यांग्त्ज़ी नदी होगी दोस्तों, चीन की नदी है, कहां, चीन में स्थित है यांग्त्ज़ी नदी, याद रखें दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें यह तिब्बत के पठार से निकलती, कहां से, तिब्बत के पठार से निकलकर अपना पानी पीले सागर में दोस्तों गिरा देती है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांग्त्ज़ी दोस्तों चाइना के पास है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यूरोप, अब देखिए यूरोप वाला ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कई बार पूछा गया कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ओल्गा नदी, कौन सी साथियों, ओल्गा नदी दोस्तों रूस से में है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये ओल्गाई पर्वत से निकलकर काला सागर में अपने पानी को गिरा देती है, साथियों कौन सी है, ओल्गा नदी, कहां है, रूस में दोस्तों, क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों दो नदियां हैं आपस में मिल जाती है, मर्रे और डार्लिंग, देखिए मर्रे डार्लिंग मिलकर मर्रे डार्लिंग बनाते हैं, ये याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की ये बड़ी नदी है, ठीक है, इतना याद रख लेना। थोड़ा अन्य चीजें देखते हैं, अन्य की बात में दोस्तों भारत की कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हम दिखा दें, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, गंगा, को 2525 किलोमीटर, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, पांच राज्यों के बहती दोस्तों, पहले उत्तराखंड जाएगी, उत्तराखंड से निकलेगी, फिर यूपी में प्रवेश करती है, यूपी के बाद दोस्तों बिहार जाती है, बिहार के बाद दोस्तों झारखंड जाती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल जाती है, और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों ये कहां कूदेगी, पद्मा नाम से दोस्तों कहां कूदती है, बांग्लादेश में, और फिर दोस्तों ये जमुना साथ मिलकर के दोस्तों मेघना धारा बना के आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी दोस्तों, जिसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी मेरे साथियों। और देखिए यहां से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार कि बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को, देखिए एक चीज याद रखेंगे कि बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी कहते हैं दोस्तों, और आपको याद रखेंगे कोसी नदी दोस्तों
सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है। देखिए सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी। कहां दोस्तों बहती है, बिहार में बहती है दोस्तों, बिहार में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल का सोख किसको कहते हैं, दामोदर नदी को दोस्तों, और ये किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी दोस्तों, दामोदर नदी, और इसी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना भी है, ठीक है याद रखेंगे। अब दोस्तों आपसे पूछे उड़ीसा का सोख कौन सी नदी, तो महानदी को दोस्तों हम उड़ीसा का सोख कहते हैं। कौन सी नदी को, महानदी को हम उड़ीसा का सोख कहते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि भैया बिहार का सोख कोसी नदी, बंगाल का सोख दोस्तों दामोदर नदी, और उड़ीसा का सोख दोस्तों महानदी, ठीक है। चलिए और कुछ चीजें दोस्तों ये आप याद रख लेना कि भैया कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता ना, तो दोस्तों कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। कौन सी है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। वही आपसे पूछेगा विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है दोस्तों। कौन सी है, कांगो नदी। और वही आपसे पूछे कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे लिम्पोपो नदी दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकते हैं। चले साथियों ये आपके हमने नदियां और इसमें हमने दोस्तों मरुस्थल देख लिए हैं, ठीक है, विश्व के और भारत के। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों जरूर इस चैनल को ज्वाइन करिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आपका ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, इसमें बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ है, जाकर के एक बार आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से कहेंगे आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में दोस्तों, ये आपका करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर मिल जाएगी, और ये है आपका दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स पेट का दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, बार आपको पेट का कवर पूरा करवा दिया गया। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।